ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد مواته صلوات سيدنا محمد عليه وسلم پیغمبر ختمی مرتبت حبیب خدا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک سعید اور نیکبخت وہ ہے کہ جو علی سے محبت کرے، اور یہ وہ محبت ہے کہ جو انسان کے دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی یہی محبت اور ولایت کام آنے والی ہے۔ مومن کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان میں سے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام نے فرمایا کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ آٹھ صفتوں کا مالک ہو، یعنی آٹھ باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے مومن کے اندر، اگر وہ مومن ہے تو۔ وہ آٹھ صفتیں کہ جن کے متعلق ہمارے چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے وہ کیا ہیں؟ ان میں سے اول، ناقابل برداشت سختیوں اور تکلیفوں میں باوقار رہنا اور اپنے مقام اور عزت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی تکلیف ہمارے اوپر پڑتی ہے یا ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں
तो उस तकलीफ और मुश्किल में हम ऐसा बेकरार हो जाते हैं कि जिसकी बुनियाद पर जहां हम दीन और ईमान से खारिज हो जाते हैं, वहीं कभी कभी हम उस बेकरारी में अपना दुनियावी भी नुकसान कर लेते हैं। गरज के हर तरीके से इंसान के लिए नुकसान और हर तरीके से इंसान के लिए तकलीफ का सबब है। लेकिन अगर इंसान तकलीफों में जो नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफें उनमें बावकार रहे, बावकार का मतलब क्या है, संजीदा रहे, मतीन रहे, चेहरे से उसके जाहिर न होने पाए कि इसके ऊपर कोई तकलीफ पड़ी है, इसको कहते हैं बावकार होना। है मुश्किल, घर की मुश्किल है, औलाद की मुश्किल है, रोजगार कारोबार की मुश्किल है, बाकी और दूसरी मुश्किलें हैं, लेकिन इन मुश्किलों में इंसान बावकार रहे। और अपने मकाम और इज्जत को हाथ से न जाने दे। कभी कभी क्या होता है कि अब यही मुश्किलें, यही तकलीफें इंसान का जो मकाम होता है, जो इज्जत होती है, जो बड़ी मुश्किल से हाथ आती है, और इन्हीं तकलीफों की वजह से वो इज्जत खत्म हो जाती है। इन्हीं मुश्किलात की वजह से अब हमारे अंदर थोड़ी सी मुश्किल पड़ी और उस मुश्किल में हमने सब्र नहीं किया, हिम्मत से काम नहीं लिया, हौसले से काम नहीं लिया, हमने मतानत और संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। दूसरे ही दिन से अब अपने अजीजदारों से, रिश्तेदारों से कि कोई हल बताओ, कोई रास्ता दिखाओ, कुछ करो, कुछ लाओ, कुछ दो, कैसे इस मुश्किल से निकलें, कैसे इससे छुटकारा पाएं। तो अब तक जो एक इज्जत बनी हुई थी, अब तक जो एक मकाम बना हुआ था, अब जाहिर सी बात है कि जब से अपने जहां से अपनी जबान खोली और जहां से हाथ फैलाया वहीं से क्या हुआ, वो जो इज्जत बनी हुई थी खानदान में, घर बार में, समाज में, वो खत्म हो गई। लिहाजा इमाम फरमाते कि देखो मोमिन वो है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त सख्तियां और तकलीफें हैं उनमें भी बावकार रहता है। संजीदगी का मुजाहरा करो, तकलीफ हो लेकिन किसी को पता भी ना चलने पाए कि तुम तकलीफ में हो, सख्ती हो लेकिन किसी को एहसास भी ना होने पाए कि तुम सख्तियों में हो, इम्तिहानों और आजमाइशों में सब्र का दामन हाथ से न छोड़े। सब्र बहुत बड़ी चीज है, सब्र इंसान को बुलंदी तक पहुंचाती है, सब्र इंसान को इज्जत दिलाती है, सब्र इंसान को कामयाब बनाती है। सब्र और हिम्मत बहुत बड़ी चीज है, अगर सब्र नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इंसान बहुत जल्द उस बेकरारी और बेचैनी और जल्दबाजी के नतीजे में नाकाबिले तलाशी नुकसान कर लेता है, ऐसा नुकसान इसकी भरपाई ना होने हो पाए। तो नाकाबिले बर्दाश्त सख्तियों और तकलीफों में भी बावकार रहे, इम्तिहानों और आजमाइशों में सब्र का दामन हाथ से न छोड़े, सख्तियों और तकलीफों में भी शुक्र खुदा बजा लाए, शुक्र खुदा बजा लाए। और ये वाकयान खासान खुदा की सिफतों में से है, जो औलिया इलाही है उनकी सिफतों में से है कि सख्तियों और तकलीफों में जहां आम तौर से इंसान की जबान पर शुक्र आसानियों में नहीं आ पाता है, वही सख्तियों और तकलीफों में शुक्र खुदा बजा लाए कि जिस हाल में भी अल्लाह तेरा शुक्र है। आप अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियों के ऊपर नजर कीजिए तो आपको अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियों में आपको मिलेगा, आइम्मा अलैहिस्सलाम की जिंदगियों में आपको मिलेगा, खुद असहाब आइम्मा अथहार अलैहिस्सलाम की जिंदगियों में मिलेगा कि जहां के ऊपर सख्तियों और तकलीफों में सिर्फ सब्र ही नहीं किया है बल्कि शुक्र खुदा बजा लाए।
अम्बिया की पूरी एक तारीख है, जनाब अय्यूब का वाकया मशहूर है और जनाब अय्यूब की पूरी दास्तान है कि कैसे कैसे सब कुछ जाता रहा लेकिन इसके बावजूद जैसे जैसे खत्म होता रहा वैसे वैसे शुक्र खुदा में इजाफा होता रहा। सेहत चली गई, शुक्र खुदा। माल चला गया, शुक्र खुदा। सारी खेती बर्बाद हो गई, शुक्र खुदा। घर बार न रहा, शुक्र खुदा। आसान नहीं ये मंजिल, बहुत सख्त है। तो सख्तियों और तकलीफों में भी शुक्र खुदा बजा लाता रहे। उसके बाद चौथी चीज है, अल्लाह ने जो उसे रिस्क दिया है उस पर वो काने रहे। मेहनत करना इंसान का काम है। अल्लाह ने हाथ पे हाथ धरे धर रख कर बैठने को नहीं कहा है कि तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहो, नहीं। कोशिश करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, बाहर निकलो घर से। अब इसके बाद जो तुमको मिल जाए उसके ऊपर तुम काने रहो। काने का मतलब गुजराती में कहते हैं तुमको उस पर संतोष हो। जो कुछ भी आज पूरे दिन हमने मेहनत की, सिर्फ 500 रुपए हासिल हुए, शुक्र खुदा बजा लाओ, बहुत अच्छा। बाद बेचारे न जाने कितने अच्छे जिनको 100 रुपए भी नहीं मिले, हमको अल्लाह ने कम से कम 500 रुपए दे दिए। जो कुछ भी तुमको मिल जाए उसके ऊपर काने रहो, उसी के ऊपर संतोष करो। और हवा और हवस का शिकार ना हो, क्योंकि जहां से इंसान के अंदर हिर्स आ जाती है, लालच, हवस, बस कितना ही हो जाए, जितना आ जाए उतना कम और जितना मिल जाए उतना कम, यही हिर्स और यही हवस और यही लालच इंसान को हराम की तरफ ले जाती है। जाहिर सी बात है, हिर्स है, हवस है, लालच है, हलाल तरीके से, जायज तरीके से जो हम हासिल कर रहे हैं वो उतना होता है जितना हमारे हमारे घर का खर्च है, और बाकी जो हमारे जो ख्वाहिशात हैं अब उनकी पैरवी भी हमको करना है। तो उनकी पैरवी कहां से हो, जब तक कि हलाल का रास्ता छोड़कर हम हराम का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। नतीजा क्या होता है, इंसान हराम का रास्ता इख्तियार करता है। तो छठे इमाम फरमाते हैं कि देखो, मोमिन के लिए जरूरी है कि उसमें 8 सिफतें हों, नाकाबिले बर्दाश्त सख्तियों और तकलीफों में बावकार रहे, अपने मकाम और इज्जत को हाथ से न जाने दे, इम्तिहानों और आजमाइशों में सब्र का दामन न छोड़े, सख्तियों में और तकलीफों में शुक्र खुदा बजा लाता रहे। अल्लाह ने जो भी उसे रिस्क दिया है उसके ऊपर वो काने रहे, उसी पे कनाअत करे। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि जालिमों पर भी सितम न करे, जालिमों के ऊपर भी सितम न करे। सामने वाले ने बड़ा जुल्म किया है, बहुत परेशान किया है, बहुत अजियत दी है, लेकिन अब अगर हमें उसके ऊपर गलबा हासिल हो जाता है, इख्तियार पाना और है और जुल्म करना और। तारीख इस्लाम में आपको ऐसे वाकयात और ऐसे हालात मिलेंगे कि जहां मुकाबिल का लश्कर जब किसी मुसलमान को पकड़ता था या मुसलमान पे इख्तियार हासिल करता था तो किस कदर अजियतें देता था, किस कदर परेशान करता था, किस कदर तकलीफों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उसी के मुकाबले में अगर कोई लश्कर कुफ्र में से गिरफ्तार होकर आता था तो पैगंबर खत्ती मर्तबा उसके साथ क्या सलूक करते थे, अमीरुल मोमिनीन ने उन लोगों के साथ जो गिरफ्तार होकर आए थे उनके साथ क्या सलूक किया। अगर हाथ रस्सी में बंधे हुए थे, फरमाए अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि इसके हाथ खोल दो, इसके हाथ खोल दो, जालिम है, जुल्म किया है, जंग की है, हमारे लोगों को कत्ल किया है, नहीं, इसके हाथ खोल दो। इब्ने मुलजिम जैसा कातिल, इससे बढ़कर जालिम कौन होगा। अमीर मोमिनीन के सामने आता है और अमीर मोमिनीन कहते कि नहीं, इसकी मुश्कें जो है, ये हाथ बंधे हुए थे, का खोल दो इसको। उसने पानी तलब किया कि मुझे प्यास लगी है, इमाम ने वो दूध के जो आपके
लिए लाया गया था अफ्तार के वक्त, आपने फरमाया तू इसको दे दो। तो मौला फरमाते हैं कि जालिमों पर भी सितम न करें, अपना बोझ अपने दोस्तों पर न डाले। समझे कि नहीं समझे? अपना दोस्त अपना बोझ अपने दोस्तों पर न डाले। बहुत से मौके ऐसे होते हैं और बहुत से लोग दोस्ती भी इसी लिए करते हैं कि अगर कोई ऐसा मसला आ गया, मालूम है कि अब जाहिर से बात है दोस्त हैं, बचपन से साथ में रहे हैं, या मसलन स्कूल में साथ में पढ़े हैं, कॉलेज में साथ में रहे हैं, या समाज में जमात में उठते बैठते हैं, दोस्ती हो गई, आते हैं जाते हैं, बैठते हैं खाते हैं पीते हैं वगैरह वगैरह। अब जो सामने वाला जो है वो थोड़ा सा माशाल्लाह से अल्लाह का दिया हुआ, उसके पास सब कुछ है, ये साहब जो है इन्होंने जो कुछ कमाया था वो सब बुला दिया या हाथ पे रुकता ही नहीं इनके, नतीजा ये होता है कि हर रोज इनके पास से कोई ना कोई परेशानी खड़ी रहती है। अब ये हर रोज अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ फरमाइश फरमाया करते हैं। अब क्या करें यार, घर में बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आज ये चीज नहीं है उसकी वजह से सब बच्चों को आज ये प्रॉब्लम हो गई और आज ये इसकी वजह से अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, महीना भी पूरा नहीं हुआ और ये देखो ये खड़ी हो गई। इमाम फरमाते हैं कि देखो मोमिन की अलामतों में से एक अलामत यह है कि वो अपना बोझ दोस्तों पर न डाले। दोस्तों से तुम न कहो कि वो तुम्हारा खर्चा पूरा करें, तुमको हर महीने कुछ ना कुछ दे दिया करें, साल में तुम्हारे लिए कुछ बांध दें। दोस्तों के ऊपर अपना बोझ न डालो तुम, ये मोमिन की अलामत के खिलाफ है, मोमिन की पहचान के खिलाफ है। बल्कि तुम खुद, हां ये अलग बात है कि कोई अलग से वैसे किसी दोस्त ने अपने तौर के ऊपर एक दोस्ती का हक अदा करते हुए देखा कि हाँ ये आजकल वाकई थोड़ा सा परेशान है, उसे पता चला, उसने कहा कि लो हमारी तरफ से ये रखो, आजकल तुम बहुत परेशान हो मुझे पता चला था, लो रखो। ये अलग बात है, लेकिन खुद अपने तौर पर हर रोज अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ डिमांड करना और कुछ ना कुछ सवाल करना, तो अपना बोझ अपने दोस्तों पर न डाले, वो खुद, ये आखिरी अलामत और आखिरी सिफत है, वो खुद तकलीफ और सख्तियों में हो लेकिन लोग उसकी तरफ से राहत और आराम में हो। बहुत सख्त है ये मसला, वो खुद सख्तियों में हो, खुद तकलीफों में हो लेकिन लोग उसकी तरफ से आराम में हो। अब इसमें जाहिर सी बात है कि ये जो सख्तियों और तकलीफों का है मसला, सख्तियां और तकलीफें भी कई तरीके की होती हैं, कई तरीके की सख्तियां और तकलीफें होती हैं, सिर्फ माली तकलीफ ही नहीं है, बहुत सी तकलीफें होती हैं, बहुत सी सख्तियां होती हैं। कोई बेचारा किसी लिहाज से परेशान होता है, कोई किसी लिहाज से तकलीफ में होता है, कोई किसी लिहाज से सख्ती में होता है, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग अंदाज है। वो बेचारा खुद तो है सख्ती में लेकिन सामने वाला जो है, अगर चाहे वो बेचारा खुद सख्ती में तकलीफ में है लेकिन इसके बावजूद अब अगर कोई उससे खाने का मुतालबा कर देता है तो खाने से इनकार नहीं करता, खाना खिला देता है उसको। अगर कोई दवा और इलाज का सवाल कर देता है तो इसके दवा इलाज का इंतजाम कर देता है। खुद तकलीफ में है, खुद सख्ती में है, खुद परेशान है लेकिन दूसरे की परेशानी को देख नहीं पाता है, ये बहुत बड़ी सिफत है। होते हैं बाज अल्लाह वाले ऐसे कि जो बेचारे खुद तो परेशान रहते हैं लेकिन दूसरे की परेशानी को देख नहीं पाते हैं वो, और खुद थोड़ा सा गुजारा करके या अपने खुद उस खर्च से काट के दूसरे के खर्च को पूरा कर देते हैं। ये खासान खुदा की अलामत है। आपको औलिया इलाही वाकई बहुत कम ऐसे अफराद मिलेंगे कि जहां ये सारी सिफतें हों। यही वो सिफत है कि जो हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की नजर आई है, जिसके लिए कुरान ने कसीदा पढ़ा,
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ باوجود اپنی احتیاج کے، باوجود اپنی ضرورت کے، روزہ رکھا تھا، افطار کا وقت تھا، ہر انسان افطار کے وقت کھانا چاہتا ہے، افطار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی سوال کیا سامنے والوں نے، انہوں نے خود نمک اور پانی سے افطار کر لیا، روٹیاں سائل کو دے دی. یہ ہے سختیوں میں سختی سے رہ کے اور دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، دوسروں کے کام آ جانا، اور لوگ اس کی طرف سے راحت اور آرام میں ہوں. سامنے والا کتنا ہی ہم کو حیران کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اذیتیں دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، لیکن ہم پلٹ کر اس کو تکلیف نہ پہنچائیں. ہاں، تکلیف کا ازالہ کرنا یا کوئی ایسی تدبیر کرنا کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ جو ظلم کر رہا ہے وہ ہم کو ہم تک پہنچنے نہ پائے، وہ الگ بات ہے. لیکن ویسا ہی ظلم ہم بھی کرنے لگے، ویسی ہی سختیاں اور ویسی حرکتیں ہم بھی کرنے لگے، نہیں. وہ خود سختیوں میں ہے لیکن لوگ اس کی طرف سے راحت میں ہیں، لوگ اس کی طرف سے آرام میں ہیں. یہی وہ صفت تھی کہ جہاں پیغمبر کے انتقال کے بعد جانتے تھے مقابل والے کہ ہم جس حد تک نیچے جا سکتے ہیں، علی اپنے مقام سے نیچے نہیں آ سکتے، اور اسی کا فائدہ اٹھایا، اسی کا فائدہ اٹھایا ہے کہ جو ان کے اندر مکر تھا، جو چال تھی، جو شرارت تھی، جو خباثت تھی، جو ظلم تھا، جانتے تھے کہ علی کے ہیں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، علی نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے لیکن علی نہیں کریں گے. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ مکر کیا، شرارت کی، خباثت کی، ظلم کیا، اور اس مکر کے ذریعے سے، اس شرارت کے ذریعے سے، اس خباثت کے ذریعے سے، اس ظلم کے ذریعے سے تخت خلافت پہ قبضہ کر لیا. اس کے باوجود امیر المومنین نے کسی کو ظلم نہیں کیا، اور ان کو بھی یقین تھا کہ علی ظلم کر ہی نہیں سکتے، لوگ اس کی طرف سے راحت اور آرام میں ہوں، لوگ ان کی طرف سے راحت اور آرام میں ہوں. یہ بہت بڑی صفت ہے عزیزان محترم. امیر المومنین ہی نہیں، حقیقت میں پورا یہ خاندان، خاندان عصمت و طہارت، کہ لوگوں نے سختیاں کی ہیں، لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں، لوگوں نے اذیتیں پہنچائی ہیں، لوگوں نے ظلم کیا ہے، لوگوں نے حق غصب کیا ہے، لیکن اہل بیت عصمت طہارت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگیاں رہی ہیں وہ ایک مثالی اور نمونہ زندگیاں ہیں، جہاں پیغمبر کے انتقال کے بعد امیر المومنین کی سیرت، امیر المومنین کا کردار ہمارے سامنے ہے. وہی خود جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین، باقی تمام ائمہ، خود امام حسین کربلا کے میدان میں امام اور امام کے جو اصحاب تھے، امام اور امام کے اصحاب کے کردار سے کہ جتنے بھی یزیدی سے سب واقف تھے، سب آگاہ تھے، سب خبردار تھے کہ حسین ابن علی کس بلند کردار شخصیت کا نام ہے، کس اعلی ظرف انسان کا نام ہے، معلوم تھا ان کو. اور ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین کے سامنے بہت سے ایسے موقع آئے ہیں کہ جہاں کے اوپر امام بدلہ لے سکتے تھے، امام اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے امام اس کا دفیہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، امام نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. اب حر کا رسالہ جس وقت ملا ہے، پانی نہیں تھا ان کے پاس، پانی ختم ہو چکا تھا، سب کی زبانیں، گھوڑوں کی زبانیں باہر آ گئی تھیں، پورا لشکر پیاسا تھا، اور ایسے موقع کے اوپر کہ جو راستہ روکے ہوئے ہو، جو دشمنی کے اوپر آمادہ اور تیار ہو، اور ایسے لشکر کو پانی پلا دینا. کربلا کے میدان میں بھی آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی کہ جہاں امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بلند ترین کردار پیش کر کے رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کی ہے. عزاداروں،
यही वो किरदार है कि जिस किरदार को देखकर जनाब हुर शबे आशूर बेकरार थे, बेचैन थे, कभी खैमे के अंदर जाते थे, कभी खैमे के बाहर आते थे। उमर साहब ने सवाल किया, हुर ये तेरा क्या आलम देख रहा हूं, अगर मुझसे कुछ सवाल करता कि अरब में सबसे बहादुर कौन है तो मैं तेरा नाम लेता, लेकिन कैसे कांप रहा है, क्या डर गया? हुर ने कुछ नहीं कहा, का मेरे साथ आओ। हुर अपने साथ लिए हुए उमर साहब को आया, और कहां आया? इमाम हुसैन के खैमों के पीछे। कहा जरा कान खैमों की तरफ लगाओ। अब जो कान खैमों की तरफ लगाए तो खैमों से एक आवाज आ रही थी, छोटे छोटे बच्चों की आवाज, आला तश हाय प्यास। एक मरतबा फिर कहता है कि इन आवाजों का जिम्मेदार मैं हूं, मैं हुसैन इब्न अली को लेकर आया हूं, मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग इस हद तक पहुंच जाओगे, वरना कभी हुसैन इब्न अली को लेकर मैं नहा आता। और जब सुबह आशूर आई है तो यही हुर है कि जो एक मरतबा अपने बेटे को आवाज देता है, गुलाम को बुलाता है, बेटा, और बेटे और गुलाम को लेकर इमाम की तरफ रवाना होता है। जब वो चलता है तो कहता, बेटा मेरे हाथों को रुमाल से बांध दो, इसलिए कि मैं हुसैन की खिदमत में उस तरीके से जाना चाहता हूं जैसे खताकार हो, जैसे गुनहगार हो, इसलिए कि मैंने बहुत बड़ी खता की है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अजादारों इधर से हो चला, उधर इमाम खैमे के बाहर तकिया किए हुए आराम फरमा थे कि एक मरतबा आवाज दी, भैया अब्बास, बेटा अली अकबर, देखो मेहमान आ रहा है, देखो हुर आ रहा है, जाके उसका इस्तकबाल करो। अब्बास अली अकबर आगे बढ़े, हुर को लिए हुए इमाम की खिदमत में आए। जिस वक्त हुर इमाम की खिदमत में आया, बस एक मरतबा अपने को इमाम के कदमों में गिरा दिया, इमाम के कदमों में गिरा के आवाज देता, आका क्या इस खताकार की खता भी माफ हो सकती है? बस एक मरतबा करीम आका ने हुर के सर को अपने हुक्म उठाया, सीने से लगाया, और अपने सीने से लगा के आवाज दी, हुर तेरी मां ने कितना अच्छा नाम रखा है, तू दुनिया में भी हुर है और तू आखिरत में भी हुर है, लेकिन ऐसे मौके पे मेहमान हुआ है कि जब मैं तुझे पानी भी नहीं पिला सकता। मैं इतना सुनना था कि हुर बेकरार हो गया, आपका शर्मिंदा न कीजिए, मैदान की इजाजत दे दीजिए। हुर को इजाजत मिली, बेटे को रवाना किया, बेटा मैदान में आया, जंग करते करते वो मौका भी आया कि जब मरतबा हुर का बेटा घोड़े से जमीन पर आया, आवाज दी, बाबा हमने अपने को कुर्बान कर दिया, इमाम की खिदमत में इमाम के ऊपर जान को फिदा कर दिया। अजादारो हुर बेटे की आवाज पर चला, लेकिन हुर की हैरत की इंतहा न रही। जिस वक्त बेटे के सराहने पहुंचा है तो क्या देखा कि हुर से पहले हुसैन हुर के बेटे के सराहने पहुंच चुके थे, और इमाम का जानू था, हुर के बेटे का सर था। एक मरतबा हुर ने चाहा कि बेटे के जनाजे को उठाए, इमाम ने रोक दिया, हुर क्या गजब कर रहे हो, कहीं बेटा बेटे का जनाजा उठाता है? ये कह के इमाम ने हुर के बेटे के जनाजे को उठाया, लाकर गंजे शहीदा में रख दिया। मैं कहूंगा आका भी ने फरमाया है कि कहीं बाप बेटे का जनाजा उठाता है, लेकिन थोड़ी देर न गुजरेगी कि 18 साल का जवान मैदान में आवाज देगा, या बता अलैका मिन्नी सलाम। उस मौके पर कौन होगा कि जो अली अकबर के जनाजे को उठाए? बूढ़ा बाप जवान का लाशा, कभी बाप जवान के लाशे को उठाएगा, कभी रब देगा, और जब लाशा ना उठेगा खैमों पर अस्तर की आवाज देगा, ओ बनी हाशिम के बच्चे आओ, बूढ़े बाप के जवान का लाशा नहीं उठता, जरा पर सहारा दे। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़्ज़ालिमीन, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यन्क़लिबून, बिहक ज़हरा वाबीहा वबालिहा वबनीहा, बारे लहा शब जुमा है, शब मग़फ़रत है, शब रहमत है, शब दुआ है, शब मुनाजात है। तेरी बारगाह में हम सब गुनहगार और खताकार हाजिर हैं,
بار الہ ہماری خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر فرما، معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق کرامت فرما، بار الہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، خاص کر کے فلسطین کے غزہ کے مظلوم عوام کی مدد نصرت اور حفاظت فرما، معبود یہ سپاہیان اسلام یا رزمندگان اسلام جو آج ان ظالموں سے نبرد آزما ہیں ان کو کامیاب و کامران فرما، بار الہ ظالموں کا خاتمہ فرما، مظلوموں کی مدد فرما، امریکہ اور اسرائیل اور اس کے تمام ساتھیوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما، بار الہ جو مومنین پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں خاص کر کے جنہوں نے التماع سے دعا کہی ہے، جو مورد نظر ہیں معبود ان تمام مریضوں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا جو مومنین دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، خاص جس مومن کے اس سال ثواب کے لیے مجلس اعظم منعقد ہوئی ہے اسے معصومین علیہ السلام کے جوار میں جگہ عطا فرما، ہم سب کی آخرت بخیر فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا انك انت السميع العليم.